हे गाइस, एक और वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं करूंगा अनबॉक्सिंग और रिव्यू हमारे कार्टन लंडन ब्रांड की तरफ से आने वाले इस परफ्यूम का। दोस्तों, ये परफ्यूम बेसिकली वोमेंस के लिए बनाया हुआ परफ्यूम है कार्टन लंडन ब्रांड की तरफ से। और ये जो है ओवर रोज मॉडल है इसका, ओवर रोज करके इसकी जो है फ्रेगनेंस का नाम दिया गया है। ये इसका पैकिंग है, आप देख सकते हैं। तो बेसिकली आपको ये फटा हुआ यहाँ से लग रहा होगा, क्योंकि इसे निकाल के जो है यूज़ किया गया और उसे लगभग मैंने 10 दिन के लिए मैसरेट भी किया है। अभी क्योंकि 10 दिन ही हुए हैं ऑलमोस्ट इसे लिए हुए, तो 10 दिन तक इसे मैसरेशन भी करा गया। वो सब आगे मैं डिटेल में बताऊँगा आपको इस वीडियो में। तो मैंने इसे दोबारा से बॉक्स में रख के रीपैक कर दिया था कि आपको खोल के दिखा सकूं कि ये जो है किस तरीके से पैकिंग में जो है आता है। तो ये कुछ इस तरीके से पैकिंग आती है इसकी। पैकिंग काफ़ी अच्छे से करी गई है इसकी, आप देख सकते हैं चारों तरफ इसके जो है इस साइड पे भी यहाँ पे फूल से बने हुए हैं और यहाँ पे भी जो है पूरे फूल से बने हुए हैं इस तरीके से। और बैक साइड पे इसके जो है डिटेल्स दी हुई हैं। इसकी डिटेल्स को आप वीडियो को पॉज करके देखना चाहें तो पढ़ सकते हैं इसको। और बैक साइड पे जो है फ्रंट पे भी इसके फूल लिखे हुए हैं और उसका फ्रेगनेंस नेम लिखा हुआ है इसका और ब्रांड का नेम लिखा हुआ है। तो पैकिंग इसकी बाहर से जो है अच्छी सी दी गई है और जैसे फूल वगैरह दिए हुए हैं, जिससे कि पता चलता है कि ये जो है फ्लावरी और स्वीट टाइप जो है फ्रेगनेंस है। तो ये जो है इस तरीके से पैक में आती है। मैं आपको दिखा देता हूँ, पैक में खोलता हूँ इसका और ये बॉटल इसी तरह से रखी हुई आती है। ये पूरे पैकिंग है इसकी और इसको मैं ऐसे निकालता हूँ तो ये एक बड़ी खूबसूरत सी बॉटल अंदर से निकलती है। इसको मैं साइड में कर देता हूँ इसके पैक को और ये आप देख सकते हैं ये बॉटल आ गई। तो इसकी ये इस तरीके से रेड कलर की बॉटल आती है जो कि बड़ी खूबसूरत सी बनाई गई है देखने में। और ये 100 ml की बॉटल है और परफ्यूम भी इसमें आपको दिख रहा होगा अंदर से परफ्यूम इसमें। और कैप वगैरह इसका पूरा राउंड इस तरीके से दिया गया है, गोल सा। तो ये पूरी जो है कांच की बॉटल है, ग्लास की बॉटल है ये। और मुझे इसकी बॉटल काफ़ी प्यारी लगी निकालते ही, फर्स्ट इंप्रेशन काफ़ी अच्छा लगा। इसका पैकिंग वगैरह और प्रेजेंटेशन मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बाहर वाला पैकेट तो उसका सिंपल सा है और बहुत ज़्यादा जो होता है ना प्रेजेंटेशन वाले पैकेट जो गिफ्टिंग वाले में से लगते हैं, और क्योंकि उनमें वेस्टेज ही ज़्यादा होता है। मोस्टली आदमी क्या करता है, परफ्यूम निकालता है, परफ्यूम यूज़ करता है, पैकिंग जो है साइड में पड़ी जाती है, कूड़े में फेंक जाती है। तो इतना ज़्यादा उसमें जो वेस्टेज होता है बहुत ज़्यादा, वो मुझे मतलब पर्सनली तौर पर पसंद नहीं आता, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा चीज़ों का वेस्टेज जाता है। हाँ, कहीं पर ही गिफ्ट देना है तो गिफ्ट के लिए एक अलग से पैकिंग रखनी चाहिए कंपनी को, भैया अगर आपको गिफ्ट देना है तो हम उस वाली पैकिंग में करके भेज देंगे। तो कुछ इस तरह के ऑप्शन जो हैं कंपनी को रखने चाहिए। बहरहाल, ये जो है परफ्यूम इस तरीके से बॉटल है इसकी, जो कि काफ़ी अच्छी है। प्रेजेंटेशन बॉटल की इसकी और सिंपल सी इसकी बाहर की पैकिंग भी दी गई है। और दोस्तों, इसकी प्राइस की बात करूं तो ये परफ्यूम मुझे महिंद्रा सेल के अंदर 370 रुपये का मिला, तो काफ़ी अच्छी डील मिली। तो डील्स वगैरह में अगर आप इन परफ्यूम्स को पकड़ेंगे, कार्टन लंडन के और भी परफ्यूम्स हैं, तो वो भी आपको काफ़ी अच्छी डील्स में मिल जाएंगे। और इन जनरल जो है ये 600 से 650 रुपये की प्राइसिंग में मिलता है। और अगर इसका मैं कैप की बात करूँ तो कैप आप देख सकते हैं, और यहाँ पे ये सिल्वर कलर का ये इस तरह से दिया हुआ है। नेक जो है काफ़ी अच्छा लगता है और कैप जो है इसका थोड़ा सा टाइट मिलता है, ऐसे थोड़ा सा ऐसे आप टाइट खींचना पड़ेगा तब ये निकलता है। ये कभी कभी जो है ये भी खिंच आता है इसका, तो ये चीज़ थोड़ा कंपनी को ध्यान देना चाहिए। सिल्वर वाला सेक्शन जो कि अलग से टिका हुआ है, तो कैप इतना टाइट है कि ये भी साथ में खिंचाया, तो थोड़ा सा आप ऐसे सिल्वर सेक्शन को पकड़ लें फिंगर से और तब आप कैप को जो है इसके हिला के निकालें तब ये निकलेगा, वरना ये भी आपका हो सकता है खिंचाई सिल्वर वाला सेक्शन है जैसे अभी निकल आया था इसका। तो कैप इसका ज़रा मुझे टाइट लगा। और ये कैप जो है इसका इस तरह से मिलता है, प्लास्टिक का कैप है लेकिन ये अच्छी क्वालिटी की प्लास्टिक में दी गई है। और ये भी जो पूरा सेक्शन है प्लास्टिक का है, सिल्वर पॉलिश है इस पर। बॉटल जो है इसकी वो जो है ग्लास की दी गई है, जो कि काफ़ी अच्छी प्यारी सी लगती है। और यहाँ पे इसमें जो है कार्टन लंडन सामने लिखा हुआ मिल जाता है, नीचे ओवर रोज एओडे परफ्यूम। तो ये जो है बेसिकली एक एओडे परफ्यूम वेरियंट है परफ्यूम का। एओडे परफ्यूम आप लोग जो लोग नहीं जानते उनको बता दूँ तो ये जो है हाई कंसंट्रेशन ऑयल एओडे परफ्यूम में मिलता है। परफ्यूम वेरिएंट जो होते हैं लाइक एक EDT आता है, एओडे टॉयलेट होता है, उसके बाद फिर EDP आता है जो कि ये वाला है एओडे परफ्यूम, और इसके ऊपर वाला एक और आता है जो कि होता है सिर्फ परफ्यूम या प्योर परफ्यूम करके भी बहुत सारी ब्रांड लिखती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन ऑयल होता है, जिसमें 20% से लेके 40% या 45% तक ऑयल कंसंट्रेशन रहता है उसमें। और यहाँ पे जो है ऑयल कंसंट्रेशन जैसा कि आप देख सकते हैं कंपनी ने मेंशन किया हुआ है इसमें 20% ऑयल कंसंट्रेशन है, तो अच्छी बात है इसमें 20% एओडे परफ्यूम वेरियंट में कंसनट्रेशन हमें मिल रहा है ऑयल का, जिससे कि इसकी लास्टिंग जो है ज़्यादा रहने वाली है। और लास्टिंग भी इन्होंने कंपनी ने, आप देख सकते हैं वॉलपेपर इनका मैंने लगाया हुआ है जिसमें इन्होंने कंपनी ने दी हुई है कि 8 आवर्स लास्टिंग है इसकी। मैंने इसको अपने हैंड्स वगैरह पे, स्किन पे और क्लोथ पे लगा के मतलब घर में ही ट्राई किया था, क्योंकि वोमेन फ्रेगरेंस है बेसिकली, यूनिसेक्स फ्रेगरेंस भी नहीं कहेंगे इसे।
तो ये जो है आराम से 7 to 8 hours लास्ट किया था कपड़े के ऊपर। स्किन पे लगाएंगे तो ये कम लास्ट करता है लास्टिंग, हालांकि मैं आपको एंड में बताता, लेकिन यहाँ पे ये वॉलपेपर में लगाते हुए चल ही रहे हैं तो इसलिए मैंने कहा बताता वही चलूँ आपको, लास्टिंग से शुरू कर देते हैं फिर आपको इसका फ्रेगरेंस के बारे में बताऊँगा। तो भाई इसके अंदर जो है 8 hours की लास्टिंग है, और प्रैक्टिकली मुझे भी मेरे क्लोथ पे इसकी 7 to 8 hours की आराम से लास्टिंग मिल गई थी, जो कि अच्छी बात है इसके प्राइस बजट को देखते हुए। अगर मैं इसकी नॉर्मल प्राइसिंग की भी बात करूं, यानी कि अगर 650 रुपये का भी इसको कोई फुल प्राइस पे भी लेता है, तो उसको देखते हुए भी इसकी लास्टिंग जो है ठीक ठाक है, 7 to 8 hours अगर मिल रही है किसी को क्लोथ्स के ऊपर। और वहीं इसको स्किन पे मैंने लगाया था तो स्किन में ये जो है मोस्टली जो है 4 hours तक मुझे आती रही थी, 4 hours का बहुत ही जो क्लोज वाली होती है इतना बस लगा के ना सूंगो, तो वहाँ पे वैसे आ रही थी 4 hours के बाद में, मतलब 3.5 से 4 घंटे ही जो है स्किन के ऊपर इसकी जो फ्रेगनेंस है वो टिकी थी। तो ये तो वही लास्टिंग की बात। प्रोजेक्शन की बात करूँ तो प्रोजेक्शन जो होता है इसका शुरू के इसके 2 घंटे तक मिल जाएगा, 1.5 से 2 घंटे ही तक इसका जो है प्रोजेक्शन मिल पाता है, लगभग 1 फुट तक इसका प्रोजेक्शन अच्छे से देता है, 1 से 1.5 घंटे तक। 1.5 घंटे के बाद लगभग इसका प्रोजेक्शन थोड़ा सा मतलब और करीब आ जाएगा, और मतलब जब कम से कम 3-4 घंटे हो जाएंगे इसको क्लोथ पे लगाए हुए, तो जो है फिर इसका प्रोजेक्शन बिल्कुल मतलब और है जो इसका करीब करीब रह जाता है, यानी कि आपके कोई एकदम करीब में बैठ के कोई बात कर रहा है तो उसको अच्छी सी फ्रेगनेंस इसकी महसूस होती रहेगी। तो भाई ये तो हो गई इसकी लास्टिंग और इसके प्रोजेक्शन की बात, अब मैं बात कर लेता हूँ इसकी फ्रेगनेंस की, इसकी फ्रेगनेंस कैसी है। तो जैसे कि आप इसके वॉलपेपर के अंदर आज देख सकते हैं, इन्होंने जो नोट्स मेंशन करे हुए हैं इस परफ्यूम के, टॉप नोट में दिया हुआ है कोकोनट, एप्रिकोट और प्लम। वहीं जो हार्ड नोट है जो कि मिडिल नोट होता है, उसमें रोजवुड, जैस्मिन, ट्यूबर रोज और रोज मेंशन किया हुआ है, और बेस नोट्स में इन्होंने मेंशन किया हुआ है वेनिला, एलमंड और सैंडलवुड। तो ये तो हो गए जो इन्होंने मेंशन कर रखे हैं फ्रेगनेंसेस। अब मैं आपको इसकी एक्चुअल फ्रेगनेंस बताऊं जो कैसी आती है, मैं छिड़क भी लेता हूं एक बार ताकि और एक बार रिविजन हो जाए अच्छे से। आप इसका स्प्रेयर देख रहे हैं, स्प्रेयर में आपको करीब से दिखाता हूं, तो स्प्रेयर काफी अच्छे से मारता है, काफी दूर तक मारता है, ये आपको मैं दिखाता हूं, तो अच्छा खासा यहां तक स्प्रे मार रहा है, तो इसका जो एटोमाइजर है वो काफी अच्छा दिया गया है। तो जैसे ही आप इसे स्प्रे करते हैं अपने क्लोथ पे या स्किन पे, तो एकदम शुरू में जो है आपको इसके अंदर एक एप्रिकोट वाली और प्लम मिक्स, एप्रिकोट और प्लम मिक्स फ्रेगनेंस फौरन महसूस होती है स्प्रे करते ही। कोकोनट वाली अगर मैं कहूँ तो कोकोनट में जो है इसकी बैकग्राउंड से आती है कोकोनट की भी, लेकिन प्लम और एप्रिकोट की जो वो है वो मेन आपको यूज़ होगी। कोकोनट की मैं कह लूँ बस 10 से 15% जो है बैकग्राउंड से आती हुई महसूस होती है इसके टॉप नोट में लगाने के बाद, और थोड़ी सी कूलनेस भी रहती है उसके साथ में टॉप नोट के अंदर ही छिड़कने के बाद, लगभग मतलब 15-20 मिनट तक आपको थोड़ा कूल सी एप्रिकोट और प्लम की जो है आती रहेगी बैकग्राउंड से, हल्की हल्की सी कोकोनट की वाइब्स के साथ में। वो कोकोनट की वाइब ऐसी कोई मतलब पता नहीं चलती, जो आपको मेन जो है सूंघने में पता चलेगी वो एप्रिकोट और प्लम की ही पता चलेगी। उसके बाद जैसे ये ड्राई डाउन की तरफ बढ़ता है लगभग आधे घंटे बाद, कोकोनट वाली जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं आती इसके अंदर, फिर जो है रह आती है इसके अंदर हार्ड नोट में, इसमें हल्की हल्की सी जो है रोज़ वाली फ्रेगरेंस जो कि बैकग्राउंड से आ रही होती है, और एप्रिकोट और प्लम जो है इसमें वो ही बना रहता है मिड में भी, और आखिरी में भी काउंट जहाँ पे इसके लास्ट हो जाते हैं लगभग 3-4 घंटे बाद भी, एप्रिकोट और प्लम की जो क्लोज में भी वही आती रहती है। तो इसकी शुरू से लेकर आखिरी तक जो है इस परफ्यूम की पूरी फ्रेगनेंस एप्रिकोट और प्लम पे ही बनी रहती है। तो कंपनी ने जो इसमें ओवर रोज़ नाम दिया हुआ है, तो मेरे ख्याल से ओवर रोज़ नाम इसका जस्टिफाइज नहीं करता मेरे ख्याल से, क्योंकि रोज़ की जैसी फ्रेगनेंस जो है ना इसमें थोड़ा आधे घंटे ड्राई डाउन होने के बाद बैकग्राउंड से सिर्फ आती है हल्की हल्की रोज़ की मिक्स होकर एप्रिकोट और प्लम के अंदर, जो कि अगर आप गौर से सूंघोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ भाई बैकग्राउंड से हल्की हल्की रोज़ की भी आ रही है फ्रेगनेंस, जो कि एक इंडियन रोज़ होता है रेड वाला, कॉमन जो रोज़ होता है वो वाले रोज़ की, लेकिन वो एकदम बैकग्राउंड से आती है, मेन जो बनी रहती है बिल्कुल जो इन जनरल एकदम से सूंघे हो कोई उसे, तो एप्रिकोट और प्लम ही समझ में आएगा इसके अंदर। तो शुरू से आखिरी तक इसकी पूरी फ्रेगनेंस एप्रिकोट और प्लम की है इस परफ्यूम की, और बाकी बैकग्राउंड में टॉप नोट में जो है वो कोकोनट की आती है, और टॉप नोट जैसे ही ड्राई डाउन हो जाता है, ड्राई डाउन की तरफ चलता है ये, तो उसमें फिर इसमें हल्की हल्की रोज़ की बैकग्राउंड से आती रहती है एप्रिकोट और प्लम के साथ में ही। तो इस तरह से कुछ इसकी फ्रेगनेंस है, होपफुली आपके समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको एप्रिकोट और प्लम वाली फ्रेगनेंस पसंद है तो डेफिनेटली आप इसे कंसीडर कर सकते हैं, और इन जनरल अगर मैं डिफाइन करूँ उसकी फ्रेगनेंस कैसी है
तो इसकी फ्रेगनेंस मैं कहूँगा 80% वोमेन को जो है और 80% मैन को भी पसंद आएगी। इसकी फ्रेगनेंस ऐसी है, 20% कह लूँ या फिर मैं कह लूँ 15% लोगों को हो सकता है इसकी फ्रेगनेंस पसंद ना आए, क्योंकि ये वाली जो फ्रेगनेंस है जिस तरह से मतलब इसमें इन्होंने जो भी इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है बजट सेगमेंट का परफ्यूम है, कोई बहुत ही हाई क्वालिटी की तो नहीं है, सिंथेटिक ही मोस्ट प्रोबेबली इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स डाले गए होंगे, तो इसकी जो फ्रेगनेंस निकल के आती है वो एकदम से शुरुआती तौर पे पहले दूसरे दिन हो सकता है किसी को पसंद ना आए, लेकिन एक दो बार जब वो गौर से सूंघे इसे थोड़ा सा मतलब एक दो बार और लगाएगा तो उस बंदे को फिर वो पसंद आने लगेगी जब वो फ्रेगनेंस पे गौर करेगा कि फ्रेगनेंस है काहे की। और एकदम से किसी को अगर पता ही नहीं है भाई काहे की फ्रेगनेंस आ रही है तो वो 15-20% लोगों को हो सकता है पसंद ना आए, लेकिन 80% लोगों को ये पसंद डेफिनेटली आएगी। और गाइज एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, इसकी जो फ्रेगनेंस है जब मैंने इसे एकदम आउट ऑफ द बॉक्स निकाला था, जो पहली बार इसको स्प्रे किया था, तो इसकी फ्रेगनेंस जो है इतनी अच्छी नहीं लगी थी, तो यानी कि ये जो है एक तरह से कह लूँ सेटल नहीं था परफ्यूम। तो उसको मैंने लगभग जैसे कि मैंने वीडियो के बैगनिंग में बताया था कि मैंने इसको जो है मैसरेट भी किया हुआ है, लगभग 10 दिन ही हुए हैं, 10 दिन का कोई खास मैसरेशन ऐसा होता नहीं है, लेकिन 10 दिन में इसको मैसरेट करने के बाद इसकी फ्रेगनेंस में मुझे इम्प्रूवमेंट देखने को मिला, और 10 दिन बाद लगभग हफ्ते भर बाद जो है इसकी फ्रेगनेंस जो है और बेटर खिल के आने लगी थी। और अगर आप में से कोई मैसरेशन नहीं जानता तो मैसरेशन ये होता है बेसिकली, आप जब आउट ऑफ द जब जैसे ही आप बॉक्स से निकालो परफ्यूम को, उसको कुछ 4-5 बार छिड़क के उसका ये जो जो भी कैप होता है, जैसे इसका कैप ये है, तो कैप निकाल करके उसको आप किसी डार्क प्लेस पे रख दो जहाँ पे कम से कम हवा रहती हो, मतलब ऐसे नहीं रखना किसी आप कबर्ड में उठा के रख दें बिल्कुल जहाँ पे एयर ही ना हो, मतलब ऐसे रूम वगैरह में ऐसी जगह पे रख दें जहाँ पे अंधेरा थोड़ा रहता हो, रोशनी कम से कम आती हो और वहाँ पे डार्क भी रहता हो, तो ऐसी जगह निकाल के, और कम से कम मैं कहूँगा कम से कम 15 से 20 दिन तो आप मैसरेट करें किसी भी अपने परफ्यूम को, अगर आपको लग रहा है आउट ऑफ द बॉक्स वो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दे रहा तभी करना है, अगर आपको लगता है वो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दे रहा ज़बरदस्ती मैसरेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है 10 से 15% बार ज़बरदस्ती मैसरेट करने से उन परफ्यूम की जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी ऑलरेडी चल रही होती है और अच्छा करने के चक्कर में वो बेकार हो जाती है, तो इसलिए हर परफ्यूम को मैसरेट नहीं कर रहा था। आपको लगता है ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स या परफ्यूम में वो बात नहीं लग रही या ज़्यादा देर तक नहीं टिक रहा, और मतलब जैसा कि डिफाइन किया गया है मैंने रिव्यूज़ में देखा है, लाइक आप मेरे रिव्यू देख रहे हो और आउट ऑफ द बॉक्स आपको वैसी नहीं लग रही जैसे ही मैंने बताया, मुझे भी नहीं लगी थी जाहिर सी बात है आउट ऑफ द बॉक्स की वैसी फ्रेगनेंस एक अच्छी सी लग रहा था, कमी है कुछ फ्रेगनेंस में, तो मैसरेट आप करें उसे और फिर आपको उसमें डेफिनेटली 80% लोगों को जो है सुधार देखने में मिल जाता है, 15-20% ही होता है ऐसा कि कोई भी सुधार देखने को परफ्यूम में ना मिले इवन आफ्टर मैसरेशन। तो भाई इसको मैं और ज़्यादा मैसरेट करूँगा, लगभग महीना भर मैं करूँगा मैसरेट, और फिर उसके बाद मैं कमेंट सेक्शन में इसी के नीचे पिन कर दूंगा कि आफ्टर 1 मंथ इसकी मैसरेशन के बाद कैसी रही परफॉर्मेंस, तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट में मैं उसको पिन कर दूंगा। तो अब आप इसको ब्लाइंड बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो मैं कहूँगा अगर आपको एक स्वीट फ्रेगनेंस पसंद है, मीठी फ्रेगनेंस और इस तरह की प्लम और एप्रिकोट टाइप की फ्रेगनेंसेस पसंद है, आपने इस तरह की फ्रेगनेंस और भी परफ्यूम की हो सकता है सूंघी हो कहीं परी, तो डेफिनेटली आप ऐसे ब्लाइंड बाय कर सकते हो, लेकिन आप ज़रा प्लम की और एप्रिकोट की जो फ्रेगनेंस होती है वो फ्रेगनेंस अगर आपको नहीं पसंद आती तो अब मैं कहूँगा इसे आप ब्लाइंड बाय ना करें, किसी के पास में या तो सूंघ लें वरना इसका कोई ऐसा डिकेंट वगैरह आपको मिल रहा है तो आप सूंघ के देख सकते हैं इसका, तो ब्लाइंड बाय मैं मतलब मोस्ट ऑफ द लोगों को कहूँगा आप कर सकते हो, अगर आपको इस तरह की स्वीट फ्रेगनेंसेज और एप्रिकोट प्लम टाइप की फ्रेगनेंस पसंद है तो आप डेफिनेटली बाय कर सकते हैं इसको और कर सकती हैं, क्योंकि ये एक जो है फीमेल फ्रेगनेंस है, एक वोमेन का फ्रेगनेंस है और यूनिसेक्स फ्रेगनेंस ये बिल्कुल भी नहीं है। हाँ मेंस के लिए मैं कहूँगा अगर मतलब जोड़बाजी तो हर जगह चलती है कि अगर आप कोई एक्वाटिक और सिट्रसिस टाइप की फ्रेगनेंस लगाते हो तो उसमें इसकी अगर आप लेयरिंग कर दोगे कुछ ऐसी सिट्रसिस फ्रेगनेंस के साथ में जो कि स्वीट सिट्रसिस फ्रेगनेंस हो और स्वीट एक्वाटिक फ्रेगनेंस हो, उसमें अगर आपको मिक्सअप कर दोगे लेयरिंग कर दोगे तो उसकी मतलब मिक्सअप हो गए एक अच्छी सी फ्रेगनेंस बन के आ सकती है, तो मैन ये भी कर सकते हैं और डेफिनेटली वुमेन भी ये चीज़ कर सकती हैं, लेयर अप कर सकती हैं स्वीट एक्वेटिक या स्वीट सिट्रसिस फ्रेगनेंस के साथ में इसको। और गाइज अगर इसको कोई सोच के लेने वाला है ओवर रोज़ नाम से कि भाई ये रोज़ की फ्रेगनेंस मुझे मिलेगी, तो भाई नोट्स पढ़ लेना, कंपनी ने भी दिए हुए हैं और नोट्स में जितने नोट दिए हुए हैं उसमें जो मैंने बताया शुरू से आखिरी तक प्लम और एप्रिकोट की फ्रेगनेंस आती रहती है, बैकग्राउंड में टॉप नोट में सिर्फ कोकोनट की आती है हल्की हल्की सी 15-20% और ड्राई डाउन होने के बाद में बैकग्राउंड से हल्की हल्की सी रोज़ की आती है इसमें, लेकिन मेन फ्रेगनेंस इसकी एप्रिकॉट और प्लम की है जो कि शुरू से आखिरी तक बनी रहती है। सो गाइस इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो मैं कहूँगा भाई बिल्कुल ट्राई करना चाहिए इसको, बहुत डिसेंट सी फ्रेगनेंस है
80% जैसे कि मैंने लोगों का ये पसंद डेफिनेटली आएगी। इसको एक बार मैसरेट ज़रूर कर लेना आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब मुंह मत बनाने लगना यार कैसी फ्रेगनेंस समझ में नहीं आ रही है, मैसरेट कर लेना 5-6 बार छिड़क के, इसको रख देना कम से कम 10 दिन के लिए, 10 दिन बाद निकाल के उठा के देखना इसे छिड़क करके कैसी आ रही है। और फिर मैं कम से कम कहूँगा इसे महीना भर तो एटलीस्ट मैसरेट ज़रूर कर लेना आप, उसके बाद आपको डेफिनेटली बहुत अच्छी फ्रेगनेंस स्किल आपको लगेगी और आराम से जो टाइम दिया है कंपनी ने 7 से 8 घंटे तक लास्ट भी करेगी आपके क्लोथ्स के ऊपर। तो भाई ये काफ़ी डिसेंट परफ्यूम है, 650 रुपये के प्राइस बजट में आप डेफिनेटली इसे कंसिडर कर सकते हैं। बाइक लिंक इसका वीडियो को जो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है मैंने, जहाँ जहाँ पर भी अवेलेबल है फ्लिपकार्ट अमेजन मिंत्रा पर आप जाके चेकआउट कर सकते हैं इसके बाइंग लिंक। सो गाइज ये थी हमारी ओवरऑल वीडियो इस परफ्यूम को लेकर के, आपको ये वीडियो कैसे लगी लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और चैनल की फर्स्ट टाइम आए हो और इंटरेस्ट रखते हो ऐसी ऑसम प्रोडक्ट्स की वीडियोस देखने में तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मैं आगे और भी ऐसी फ्रेगनेंस की वीडियो लाने वाला हूँ, हालांकि और भी मेरी चैनल की पर वीडियोस रहती हैं, क्लोथिंग्स की भी रहती हैं इन जनरल, और भी प्रोडक्ट्स की भी रहती हैं जो कि आप देख सकते हैं चैनल की पर वीडियो सेक्शन में विजिट करके। लेकिन फ्रेगनेंस की पर भी मैं और ज़्यादा फ्रेगनेंस की वीडियोस में लाने वाला हूँ, एक और कुछ मैंने और बाय कर हैं तो उनकी भी जल्दी चैनल की पर आपको वीडियो मिलेगी। सो गाइस एंड अप करते हैं यही वीडियो को और मिलता हूँ जल्दी अपनी एक और नई ऑसम वीडियो में। अंटिल देन गुड बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड कीप रॉकिंग।